कोशिश भी करें, उम्मीद भी रखें, रास्ता भी चुनें और फिर इसके बाद में थोड़ी सी किस्मत भी तलाश करें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2021 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिथुन राशि की और यह जो राशिफल है वो आपकी राशि पर, आपकी जन्म राशि पर, मून साइन पर आधारित है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों से आगे बढ़ करके जीत जाना चाहता है और इसके लिए हर नए सवेरे का इंतजार करना चाहता है, नई आशा के साथ में, नए उत्साह के साथ में, नए आत्मविश्वास के साथ में, और यही आपको 2021 में भी करना है। 2020 में जो होना था वो हो चुका है, आप उसको वापस बदल नहीं सकते। जो पीछे जा चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है वो आपके हाथ में है, उसको जरूर आप और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। आने वाला कल को आप सुनहरा बना सकते हैं, अर्थात अपनी सफलता की गाथाएं लिख सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो क्यों नहीं नई संभावना का दरवाजा ढूंढें, नई सफलताओं को लिखें, अपने आप को और ज्यादा काबिल बनाएं, अपने आप को और ज्यादा उत्साहित, आत्मविश्वासी, आशावान बनाएं, क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति सपने देखता है उसके ही सपने सच होते हैं और जो सपने देखता ही नहीं उसके सपने क्या सच होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप सपने देखें और बड़े सपने देखें, क्योंकि नेगेटिव तो हर व्यक्ति सोचता है, पॉजिटिव सोचने के लिए व्यक्ति को दिमाग भी चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर वो करेज, वो उत्साह भी होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में मैं आपको आशावान बनाना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। 2021 के राशिफल को हमने चार भागों में बांटा है, क्योंकि जो ग्रह परिस्थितियां हैं वो इसी ढंग से डेवलप हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको समझने में आसानी होगी। बृहस्पति जो कि आपकी राशि के सप्तम भाव अर्थात ग्रह सुख और दाम्पत्य सुख और साथ ही 10th हाउस अर्थात आपका कर्म, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, इन दो भावों का स्वामी है, और ऐसी स्थिति में बृहस्पति का नेगेटिव हाउस में बैठना, अष्टम भाव में स्थित होना नीच राशि का होकर के, वो आपको इन दोनों भावों को सही ढंग से मैनेज करने के लिए बाध्य कर देगा। और क्योंकि हमारे जीवन में भी सबसे ज्यादा कंट्रोल बृहस्पति ही करता है और ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी स्थितियों को, इन सभी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बृहस्पति की स्थितियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति नीच राशि में ही रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2020 तक सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे। फिर वापस बृहस्पति 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक वापस नीच राशि में आ जाएंगे, 8th हाउस में आ जाएंगे और फिर उसके आगे 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक फिर से कुंभ राशि में रहेंगे। इस प्रकार से दो बार बृहस्पति मकर राशि में और दो बार बृहस्पति कुंभ राशि में देखने का मौका मिलेगा। शनि राशि से अष्टम भाव में ही रहेंगे, अतः शनि का ढैया आपको चल रहा है वो रहेगा। राहु राशि से 12th हाउस में है, 2021 में आपको यहीं पर दिखाई देंगे, अर्थात राहु की राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, न शनि की राशि का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बृहस्पति और शनि दोनों वक्री जरूर होंगे। सबसे पहले शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक और बृहस्पति 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब शनि वक्री होंगे तब आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं और पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति पापमय हो जाते हैं या आपको दुख ज्यादा देते हैं। तो इन्हीं स्थितियों को हमने तलाशना है, संभावनाएं तलाशनी है और क्या ध्यान रखना है यह मैं आपको बताऊंगा। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन और साथ ही साथ धन संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी मंगल है जो कि आपकी राशि से 11th हाउस में ही है, यह स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। और जब भी राशि से 11th हाउस में मंगल या 3rd हाउस में सिंह राशि में और वृश्चिक राशि में मंगल होंगे तब तब आपको बहुत ज्यादा शानदार गेन देखने को मिलेगा। और जब जब बृहस्पति नेगेटिव स्थिति में होंगे अर्थात कन्या राशि में, मकर राशि में
और वृष राशि में, तब तब आपको संघर्ष ज्यादा देखना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में जो भी सेक्टर होंगे उसके सामने या उसके समय शुभ और अशुभ जो डेट्स हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वार्टर में 6 अप्रैल 2021 तक आपको कैरियर में तो रफ्तार दिखाई देगी, लेकिन उसके बावजूद भी संघर्ष के साथ में आपको सक्सेस मिलेगी, अर्थात आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। एफर्ट ज्यादा करने पर ही आपको सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त हो पाएगा। ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ में अष्टम भाव में, और अष्टम भाव को कभी शुभ स्थिति में नहीं बोला जाता है, लेकिन बृहस्पति जो ही अगली राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन जाएगी, अर्थात भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपके अंदर उत्साहवर्धन होगा, आपका कॉन्फिडेंस एक प्रकार से बिल्डअप हो जाएगा, आपको अपने सर्कल का सपोर्ट मिलेगा और आपका बुद्धि बल बहुत शानदार योजनाएं बनाएगा। एक व्यूज आइडियाज और प्लानिंग आपकी जबरदस्त काम करेगी और ऐसे यूनिक आइडियाज से आप काम करेंगे कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे और आप इनकम करके, आप कमा करके कहीं दूर निकल जाएंगे। तो 2021 में जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है, कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है, मार्केटिंग वाले लोग हैं, स्टेशनरी से संबंधित लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर वाले लोग हैं, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग अपना स्कूल कॉलेज चला रहे हैं उन लोगों को भी सेकेंड और थर्ड पार्ट में बहुत ज्यादा गेन मिलेगा या बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगा। लेकिन वापस फोर्थ पार्ट में आपको उथल पुथल ज्यादा देखने को मिलेगी, अर्थात आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि नवंबर तक बृहस्पति वापस नीच राशि में होंगे और 20 नवंबर से अगली राशि अर्थात कुंभ राशि में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको इस चीजों के लिए या इस संघर्ष के लिए एक प्रकार से रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में आ चुके हैं और ये पहली बार नहीं आए, इससे पहले भी आप ये स्थितियां देख चुके हैं। 29 मार्च 2020 से लगा करके 30 जून 2020 तक वो ट्रेलर था, वो आप देख चुके हैं और 2021 में वही स्थिति आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है। तो ऐसी स्थिति में गेन की संभावनाएं आपके लिए अच्छी है सेकंड और थर्ड पार्ट में, लेकिन फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको फाइनेंसर्स, फाइनेंस से संबंधित काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, शानदार गेन होगा, इनकम में आपके उछाल आएगा। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है या कोई काम धंधा नहीं है उनको सेकंड और थर्ड पार्ट में नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, नई जॉब मिल सकती है या आपके कामकाज में इंप्रूवमेंट आ सकता है, सपोर्ट मिलने से भी आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से सेकेंड हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की और शनि की दोनों की दृष्टियां हैं। ऐसी स्थिति में शनि की जहां पर दृष्टि पड़ रही है वो कर्क राशि है, शनि का शत्रु राशि है, बृहस्पति की उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में यहां पर मिला जुला इंपैक्ट आपको मिलेगा, अर्थात बहुत से मामलों में आप देखेंगे कि आप एकदम मायूसी देख पाएंगे और बहुत से मामलों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिल जाएगी, जो आपने सोचा भी नहीं था उतनी ग्रेट सक्सेस आपकी झोली में आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में 2021 में फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट में गेन की संभावनाएं ज्यादा बलवान है। गोल्ड में, कोई भी पीली चीज की इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो ब्रास हो सकता है, चाहे वो हल्दी हो सकती है, चाहे वो केसर हो सकती है, उन सभी क्षेत्रों में आपको कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में फायदा होगा जो कमोडिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको फाइनेंस के क्षेत्र में या ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियल आपको एनालिसिस करती है, एडवाइजर की स्थिति आती है उन क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्रों में या एजुकेशन ऐप है, एजुकेशन का स्टार्टअप है, उनमें ज्यादा संभावनाएं हैं आपको गेन करने की। साथ ही साथ आप लोग जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की और इंटरेस्ट रखते हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा 2021 में, क्योंकि शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि होने से उसमें आपको ज्यादा गेन नहीं मिल पाएगा। लेकिन 2021 में आपको अपने परिवार का सपोर्ट, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित आपको संभावनाएं देखने को मिलेगी, उस ओर आप ध्यान रखिएगा, अर्थात थोड़ा सावधान होकर के उस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कीजिएगा।
लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम और आपको मिल सकती है कि जो भी प्रॉपर्टी मिले वो विवादास्पद प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसके साथ में कोई कानूनी प्रॉब्लम पहले से ही जुड़ी हुई हो। ऐसी स्थिति में सोच विचार करके देखभाल करके ही आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की, भूमि भवन और वाहन के सुख की। और ये राशि से फोर्थ हाउस से विचार किया जाता है, सुख भाव से विचार किया जाता है। इस भाव पर राहु की भी दृष्टि है और साथ ही साथ बृहस्पति की भी दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ बोली जाती है और राहु शनि के समान फल देता है, प्रभाव देता है। ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक स्थिति में अच्छा सहयोग मिलेगा पारिवारिक सदस्यों के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा और स्पेशली छोटे भाई बहनों के द्वारा। यहाँ पर सपोर्ट की स्थिति ज़्यादा आएगी। आप अपने बुद्धि बल से, आप अपने कौशल से, अपनी काबिलियत से अपने परिवार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन राहु बहुत बार ऐसी स्थितियां पैदा करेगा कि कोई तीसरा आकर के आपके घर में छोटी सी चिंगारी छोड़ करके चला जाए। फिर ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अपने परिवार वालों को संभालने में, उनको वापस सही रास्ता दिखाने में या सही बात बताने में। क्योंकि गलत बातें बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही बातें हमको बहुत देर से समझ में आती है। हालांकि बृहस्पति की जब तक दृष्टि है वहाँ तक स्थितियाँ बहुत काबू में रहेंगी, लेकिन सेकेंड पार्ट 2021 का और थर्ड पार्ट 2021 में बृहस्पति की दृष्टि नहीं होने से दूसरे लोग जो आपके परिवार में सद्भाव है उसको नहीं पसंद करने वाले लोग हैं, वो उस समय ज़्यादा एक्टिव होकर के आपके पारिवारिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति, मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे। और या फिर जमीन जायदाद के संबंध में कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई कोर्ट कचहरी के मैटर या प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि शनि 29 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहेंगे, अर्थात मकर राशि में ही रहेंगे। शनि का ढैया रहेगा और शनि का ढैया या शनि की साढ़े साथी का मतलब है अपनों से विरोध या कोई न कोई गलतफहमी, हर काम में रुकावट, हर चीज लंबी खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, ये सारी चीजें शनि के ढैये में आपको देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको जो नेगेटिविटी है उसका इलाज भी ढूंढ करके रखना पड़ेगा, तो आप 2021 को सही ढंग से एंड में पहुंच पाएंगे, सक्सेस के साथ में या ये बोल सकता हूं अचीवमेंट के साथ में, प्रोग्रेस के साथ में। 2021 फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में आपको काफी ज्यादा सहयोग देगा। नई प्रॉपर्टी या नई वाहन का आप सोच सकते हैं, वाहन की स्थिति तो हो सकता है आपको मार्च एंड से पहले पहले ही देखने को मिल जाए, वो स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाली। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा और संतान के सुख की। और ये राशि से फिफ्थ हाउस से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। जब जब भी शुक्र शुभ स्थिति में होंगे, और ज्यादातर शुक्र शुभ स्थिति में रहते हैं क्योंकि वो 11वें भाव से लगा करके 5वें भाव तक कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं, अर्थात 12 में से 9 राशि पर शुक्र शुभ प्रभाव देते हैं। सिर्फ 3 राशियों को ही राशि से 6th, 7th और 10th हाउस में जब शुक्र होते हैं तभी नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र शुभ स्थिति में जब भी रहेंगे या जब तक रहेंगे वहां तक आपको एजुकेशन में, संतान सुख में सपोर्ट करेंगे। शिक्षा भाव पर फिफ्थ हाउस पर शनि की दृष्टि है। शनि की उच्च राशि भी यहीं पर है, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि को बहुत ज्यादा शुभ नहीं बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत का परिणाम भी आपको जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्य का अधिपति भी है, तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। भाग्येश जो है शनि, उसकी दृष्टि शिक्षा भाव पर है, ये आपको सुख भी मिलेगा, अर्थात भाग्यवशात आपको शानदार सक्सेस, ग्रेट सक्सेस मिलने के योग भी है। और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के 2021 में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी शिक्षा भाव पर, तब तो जबरदस्त आपको सक्सेस मिलने वाली है, अर्थात आपकी नॉलेज में, आपकी एजुकेशन में स्मूथनेस भी आएगी और साथ ही साथ आपकी जो स्किल है वो भी सुधरेगी। 2021 में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही एक साथ में हैं। ऐसी स्थिति में जब भी बृहस्पति राशि चेंज करेंगे 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। तो 2021 में मेडिकल और नॉन मेडिकल कोई भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित,
और साथ ही साथ मेडिकल लाइन और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। इसके साथ ही साथ आप लोग जो भी डिजाइनिंग के सेक्टर में है, मास मीडिया के सेक्टर में है, या टीवी और जो फिल्म लाइन के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, या एडिटिंग सीख रहे हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में सक्सेस मिलेगी। और जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या जेमोलॉजी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा बेटर स्थिति रहने वाली है 2021 में। और 2021 के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आप लोगों को फाइनेंस, कॉमर्स से संबंधित, ये ग्रामर से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो भी स्टडीज कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं या टीचर्स होने के लिए जो स्टडी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं संतान के सुख की। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में आपको संतान से संबंधित कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, या ये बोल सकता हूं कि संतान लापरवाही से आपको परेशान कर सकती है, अपनी स्टाइल से काम करके अपनी फैमिली को नुकसान दे सकती है, और या आपकी संतान फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है तो ऐसी स्थिति में आपको दुख या परेशानी झेलने को मिल सकती है या आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप जितना होशियार होकर के उस चीज को कंट्रोल कर लेंगे, जितना अवेयर होकर के उस सिचुएशन को संभाल लेंगे, उतना नुकसान आप बचा भी देंगे। और साथ ही साथ संतान को भी आपने सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर संतान मनमानी करती हुई दिखाई देगी, आपसे रूखा आचरण भी करेगी। ऐसी स्थिति में उनको आपने सही ढंग से बातचीत करके समझाना भी पड़ेगा। लेकिन सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में स्थितियां एकदम से अलग होंगी, अतः संतान का साथ मिलेगा, वो आपके हिसाब से काम करेंगे, और साथ ही साथ आपकी संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी बनेगी जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या परिवार को बड़ा करना चाहते हैं। साथ ही साथ 2021 में ही सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में ग्रैंड चिल्ड्रन की भी संभावनाएं बनेगी, जिनकी एज काफ़ी है और जिनको आशा है कि अब जीवन में उनको पोते पोती या नाते नाती का सुख देखना है। ऐसी स्थिति में वो संभावनाएं भी इस 2021 में पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। जिन लोगों को अपनी संतान को विदेश भेजना है, चाहे एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनने वाली है 2021 में। तो उन संभावनाओं की आप अच्छे ढंग से तलाश करें और अच्छे ढंग से उस सिचुएशन को या उस पैरामीटर्स को पॉलिश करें, ताकि 2021 में वास्तव में आपकी आशाएं, आपके सपने पूरे हो सके। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में या नेगेटिव कंडीशंस के बारे में। और यह सब कुछ राशि से सिक्स हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सिक्स हाउस का अधिपति मंगल है। ऐसी स्थिति में जब जब भी मंगल शुभ स्थिति में होंगे आपको राहत मिलेगी, और जब जब मंगल नेगेटिव स्थिति में होंगे आपको स्वास्थ्य और शत्रुओं से संबंधित तकलीफें देखनी पड़ेंगी या भोगनी पड़ेंगी। राहु की दृष्टि सिक्स हाउस पर है। ऐसी स्थिति में मैं ये आपको बोल सकता हूं आसानी से कि 75% जो सिचुएशन है वो तो राहु की दृष्टि ही ठीक कर देगी। और साथ ही साथ आपके लिए राशि से सिक्स हाउस में केतु भी विराजमान है, वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करेगा, क्योंकि राशि से थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में और इलेवंथ हाउस में जो भी पापी ग्रह होते हैं हमेशा शुभ फल देते हैं। तो राहु और केतु भी, तो राहु तो राशि से ट्वेल्थ हाउस में है, लेकिन केतु तो राशि से सिक्स हाउस में, इसका फल तो आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं या जिन लोगों में एक प्रकार से इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों को 2021 में ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। हालांकि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई अमृत पी करके पैदा हुए हैं। इसलिए आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी, स्पेशली आपको जॉइंट्स पेन में, वायु विकार में, ब्लड इन्फेक्शन में या कोई एक्सीडेंट के मामले में। लापरवाही यहां पर बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आपको शनि का ढैया चल रहा है। वो शनि का ढैया आपको कुछ न कुछ संघर्ष या मेंटली अनसेटिस्फेक्शन, मेंटली टॉर्चर की स्थिति बार बार देता रहेगा,
और बार बार आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को नेगेटिव होने से बचाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बार बार ढूंढना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आइए अब बात करें शत्रुओं की। राशि से सिक्स हाउस में केतु आपको कहीं न कहीं बदनामी की स्थिति की ओर ले जा सकता है, क्योंकि केतु के अंदर लालसा ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश करेगा, धोखाधड़ी का प्रयास करेगा, दुर्भावना के साथ में आचरण करेगा, तो कहीं न कहीं आपको बदनामी के योग या कोर्ट कचहरी में उलझने के योग उपस्थित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने पर कंट्रोल सबसे पहले करना है, और सेकंड चीज जो किस्मत में है वो कहीं से भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में गलत ढंग से काम करके आप एक बार कमा लेंगे, उसके बाद में आपको अगर अंदर बैठना पड़ गया तो फिर आप कहां से कमाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि सही ढंग से पैसा कमाना, सही ढंग से काम करके पैसा कमाना वो आपके पास टिकेगा, गलत ढंग का पैसा कहीं और ड्रेन हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति में 2021 में आपकी सावधानी से आप 2021 को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, रोगों से भी बच सकते हैं, या जो नेगेटिव कंडीशन है कोर्ट कचहरी उससे भी बच सकते हैं, ये आपके हाथ में ज्यादा है, इसका ध्यान रखिएगा। एक और अच्छी बात कि 2021 में जिन लोगों को कर्ज चाहिए उन लोगों को कर्ज आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि केतु वहां पर विराजमान है और केतु मंगल के समान फल करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी लोन चाहिए, चाहे वो व्हीकल का लोन लेना है, प्रॉपर्टी पर कोई लोन लेना है, बिजनेस के लिए आपको लोन लेना है, सीसी लिमिट बढ़ानी है, ऐसी स्थिति में ये समय आपको सपोर्ट करता है, ये ग्रह आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे गृह सुख की, और ये राशि से सप्तम भाव से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि नेगेटिव स्थिति में नीच राशि में राशि से अष्टम भाव में। साथ ही साथ 2021 में पूरे वर्ष एक तरफ शनि और दूसरे तरफ केतु अर्थात पाप कर्त्री योग की जो स्थिति होती है वो आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में उथल पुथल ज्यादा रहेगी, मन मुटाव की स्थितियां ज्यादा रह सकती, वाद विवाद की स्थितियां आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय ज्यादा करने पड़ेंगे, ज्यादा अपने आप को धार्मिक बनाना पड़ेगा या अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने ग्रह सुख में बहुत प्रॉब्लम देख सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति ही जब नेगेटिव है और साथ में वो पीड़ित भी है, अष्टम भाव में होना कोई भी ग्रह का पीड़ित होना होता है, और साथ ही साथ नीच राशि में होने का मतलब है कि वो एलिमेंट वाइज आपको वीकनेस का फल देगा। ऐसी सिचुएशन में आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट काफी ज्यादा राहत देंगे जब बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे, और जब बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे तब आप दोनों के बीच में सुलह भी हो जाएगी और आप दोनों के बीच में एक प्रकार से कॉम्बिनेशन भी बैठ जाएगा, एडजस्टमेंट भी वापस हो जाएगा, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए सेकेंड और थर्ड पार्ट में ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपका रिश्ता तय हो जाए, आपका विवाह हो जाए। जिन लोगों को संतान की आशा है उन लोगों के लिए भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ज्यादा उपयोगी है, और साथ ही साथ यदि डॉक्टर ने आपको कोई एप्लीकेशन की सलाह दी है या आपको ट्रीटमेंट से संतान होना बोला है तो ऐसी स्थिति में भी आप 6 अप्रैल से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक का समय का उपयोग कर सकते हैं ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो ज्यादा संभावना है वो ट्रीटमेंट सक्सेस हो जाए। आइए अब बात करें आपके प्रेम प्रसंगों की या रिलेशनशिप की, और उसके लिए राशि से फिफ्थ हाउस भी जिम्मेदार होता है, शुक्र भी जिम्मेदार होता है, और साथ ही साथ सप्तम भाव भी जिम्मेदार होता है। शनि की दृष्टि पूरे वर्ष भर राशि से फिफ्थ हाउस पर पड़ेगी, ऐसी स्थिति में आपको दोस्ती कम और विवाद ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो भी फ्रेंडशिप होगी वहां पर बार बार आपको रूठने मनाने वाली स्थिति होगी कि आपको वहां पर मनाना ही ज्यादा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अपने आप को सावधान रखें, कंट्रोल रखें, और साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट में स्थितियां ज्यादा खराब होंगी, या ये बोल सकता हूं कि जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपकी फ्रेंडशिप है उसमें भी दरार आ सकती है, उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है।
सेकंड और थर्ड पार्ट में फिर भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बेटर है कि आप अपने रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं, विवाह के बंधन में बन सकते हैं या अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, वो चीजें आगे बढ़ सकती है। ऐसे में फर्स्ट पार्ट में और लास्ट पार्ट में ज्यादा संभावना है कि आप दोनों के बीच में विवाद की स्थितियां ज्यादा बन पाए, मन मुटाव की स्थितियां ज्यादा बन पाए, ऐसी स्थिति से बचना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके जॉब की। राशि से टेंथ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि के हैं, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2020 के स्टार्टिंग में भी अर्थात सेकंड जो क्वार्टर था उसमें आप देख चुके हैं 29 मार्च 2020 से लगा करके 30 जून 2020 तक ऐसी ही स्थितियां थी। फिर बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से नेगेटिव राशि नीच राशि में ही है, तो इसका अर्थ है कि आप ट्रेलर देख चुके हैं, असली पिक्चर अब आपके सामने है। और 2021 में दो बार बृहस्पति मकर राशि में और दो ही बार कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर अपने कैरियर में बार बार उथल पुथल देखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली कैरियर में नेक्स्ट स्टेप पर इम्प्रूवमेंट ही होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि से टेंथ हाउस पर है और ये दृष्टि शुभ मानी जाती है। तो टेंथ हाउस का अधिपति बृहस्पति जो ही कुंभ राशि में आएगा तब स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, क्योंकि आपके कैरियर का अधिपति अत्यधिक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में स्थित होगा, वो बहुत ज्यादा शुभ स्थिति होगी, राजयोग की स्थिति होगी। 2021 में फाइनेंस की ब्रोकरेज वाले, एजुकेशन से संबंधित काम करने वाले, एजुकेशन इंडस्ट्रीज, साथ में कन्फेक्शनरी आइटम, यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले, फॉरेन ट्रेड से संबंधित काम करने वाले, फॉरेन करेंसी से संबंधित काम करने वाले सभी लोग ज्यादा बेटर ढंग से डेवलप करेंगे सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। लास्ट पार्ट में 20 नवंबर के बाद में स्थितियां कंटिन्यू बेटर होंगी, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको अपने कैरियर में उठापटक ज्यादा देखनी पड़ेगी, आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि तो पूरे वर्ष भर यहीं पर रहेगी। हाँ, जब शनि वक्री हो जाएंगे तब आपको जरूर ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और वो स्थिति आएगी 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक। 2021 में शनि की दृष्टि के कारण मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ एजेंसी का काम करने वाले, कमीशन ब्रोकरेज वाले सभी लोग बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे, अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाएंगे। जो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं या केमिकल्स का काम करते हैं, हॉस्पिटल में सप्लाई करने वाले जो भी केमिकल्स हैं, उन सभी का काम करने वाले, पीपीई किट का काम करने वाले, वो सभी लोग ज़्यादा बेटर ढंग से सर्वाइव करेंगे या इम्प्रूवमेंट पाएंगे। उसके साथ ही साथ कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल का काम करने वाले जो भी एंकर्स हैं, वो सभी लोग जो ऑरेटर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो सभी लोग बहुत बेटर ढंग से डेवलप करेंगे, फ्लरिश करेंगे। अर्थात कैरियर के मामले में आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में और लास्ट में जाते जाते काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, या फिर ये बोल सकता हूँ कि कुछ स्ट्रगल के साथ में सक्सेस होगी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी का सवाल नहीं है। अर्थात 2021 आपको नेक्स्ट लेवल पर जरूर पहुँचाएगा। आइए अब बात करें इस वर्ष के विशेष उपायों की। 2021 में शनि की ढैया आपको लगी ही रहेगी, तो शनि के उपाय करने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बृहस्पति जब जब नेगेटिव स्थिति में आएंगे, जब जब नीच राशि में होंगे, तब आपको बृहस्पति के उपाय भी निरंतर करने पड़ेंगे। तो इसका अर्थ ये मान लीजिए कि आपके दो केंद्र, सप्तम भाव और दशम भाव, दोनों को जो केंद्रित करता है या जो कंट्रोल करता है वो बृहस्पति, आप पूरे वर्ष भर इसका उपाय करेंगे तो और ज्यादा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी और आपके कैरियर में भी। तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित शनि स्तोत्र का आप पाठ रोजाना करें, और विष्णु जो कवच का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और या फिर चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो शनि चालीसा और विष्णु चालीसा दोनों का पाठ करें।
और इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, सब 5 मिनट में ही दोनों हो जाने वाले हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें और हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, और स्पेशली यदि हो सके तो काले चने जो भीगे हुए होते हैं वो जानवरों को डालें, स्पेशली भैंसे को, अगर वो मिल जाए। आप देहात में रहते हैं तो ये संभव है, शहरों में शायद ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भी जरूरतमंद है उस व्यक्ति को आप भेंट कर दें, और या फिर चने की सब्जी बना करके और साथ में तेल में पकाई हुई पूरियां जो होती है उसका पैकेट बना करके आप जरूरतमंदों में बांट सकते हैं। अपनी राशि का, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति अपने एजुकेशन में या ये बोल सकते हैं संतान का सुख पाना चाहता है, नेम फेम चाहता है और अपनी इनकम को बेटर करना चाहता है, उसके लिए 5th हाउस, और भाग्य का साथ चाहता है इसलिए 9th हाउस। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में जो भी जॉब करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं या गृह लक्ष्मी हैं, ऐसी स्थिति में अपनी राशि का भाग्य वृद्धि लॉकेट पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन फल देगा, और इससे आपके अंदर संतुष्टि भी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी जागृत होगा और धार्मिकता भी आएगी। और यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी राशि का, मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी राशि से संबंधित जो जो ग्रह धन योग बनाते हैं उनको बल मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल पोजिशन ज्यादा बेटर होगी। ये तो था आपकी राशि का उपाय, लेकिन आपकी कुंडली में स्थितियां दूसरी हो सकती हैं, आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो राशिफल है ये राशिफल आपको कम इफेक्ट कर पाएगा, और यदि दशा वीक है, दशा नेगेटिव है, तो शायद इससे कहीं ज्यादा आपको संघर्ष देखना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में समय से पहले अपनी कुंडली चेक कराइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए, जो आप आज की तारीख में बिजनेस कर रहे हैं आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं, यदि जॉब है तो जॉब के लिए क्या संभावना है, आपके कैरियर के साथ साथ आपके दाम्पत्य सुख, संतान का सुख, आपके पेरेंट्स की स्थिति, जो भी आपके दिमाग में जिज्ञासाएं उनका समाधान ढूंढिए, उसका उत्तर जानिए, क्योंकि जीवन में जहां समस्याएं वहां समाधान भी है, और जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आने वाले समय को और ज्यादा बेटर बना पाएं, सुरक्षित रह पाएं, क्योंकि आपने 2020 में देखा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी वो समय आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया, बैंक में पैसा था लेकिन आप उसको लेने के लिए नहीं जा सकते थे, आपको घर में बैठना पड़ा काफी लंबे समय तक। तो ये स्थिति को सोच करके ही आप अपने आप को और बेहतर बनाइए और स्ट्रांग बनाइए, ताकि आपको ऐसी संभावनाओं को दूसरी बार नहीं देखना पड़े। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद।